हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 डी का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आया भाई, देखते हैं। तो लिखा गया क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट और रेक्टेंगल ABCD इज AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका नाम होगा ABCD और जिसका लेंथ होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हिसाब से 4.5 सेंटीमीटर AB और BC का लेंथ होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका रफ फिगर समझ लेते हैं। कौन सा फिगर? रफ वाला, RUGH, रफ फिगर समझ लेते हैं। तो यहां AB इक्वल टू दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया गया है 5.5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। यह है AB, यह है BC। लेकिन यहां जो है AB का जो है लेंथ कम है और BC का जो है लेंथ ज्यादा है, ये है 5.5 सेंटीमीटर। तो कभी भी रेक्टेंगल कुछ ऐसे नहीं बनता। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का ड्रा करते हैं लेंथ, लंबाई, ब्रिड्स पहले नहीं ड्रा करते। तो सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? BC। BC क्या है? ज्यादा लेंथ है। क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो था इसका रफ वाला फिगर। इसका आप बनाते हैं इसका फेयर फिगर। तो सबसे पहले हमें ड्रा करना है BC। BC का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड AB का लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम बना रहे हैं एक रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के जो सामने वाला लेंथ, जो भुजा होता है, आर्म होता है, उसका साइज सेम होता है। अगर इसका 5.5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला जो आर्म है उसका भी लेंथ होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें इसके सामने वाले आर्म को नहीं बनाएंगे, हम इसके बाएं वाले आर्म को बनाएंगे। क्योंकि दिया गया है AB, AB है 4.5 सेंटीमीटर। अगर AB 4.5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो रहा रफ फिगर। फेयर फिगर हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां है बी, बी को मानेंगे सेंटर और एक ड्रा करेंगे आर्क ड्रा करेंगे। तो उतने ही रेडियस का सेंटर यहां मानेंगे, फिर पहला आर्क यहां ड्रा करेंगे, फिर दूसरा वाला यहां होगा। ठीक है, हो गया। और यहां बना देंगे हम एक 90 डिग्री का एंगल। इसको सेंटर मानेंगे ऐसे और इसको सेंटर मानेंगे दूसरा वाला। तो बना देगा ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें AB बनाना है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम ये है, इसको B को सेंटर मानेंगे और क्या करेंगे, गोला प्रकार पे, कंपास पे एक 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और आर का ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, और ठीक थोड़ा ये इसके थोड़ा कम ही रहेगा ना, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने लेंथ का यहां 4.5 सेंटीमीटर पे आर का ड्रा करेंगे, फिर सी को सेंटर मानकर जितना 4.5 सेंटीमीटर पे क्या है ये ड्रा हुआ है ये वाला आर, यहां भी वही करेंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर पे यहां भी ऐसा ही ड्रा होगा। हो गया, अब हम क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर यहां भी ड्रा हुआ, 4.5 सेंटीमीटर यहां भी ड्रा हुआ है और ये वाला लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके सामने जो आर्म बनेगा वो भी 5.5 सेंटीमीटर का होगा। तो यहां जो है ये A है, ये है B, तो A को सेंटर मानकर 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और इस वाले आर्म को, प्रीवियस आर्म को कट करेंगे। तो यहां भी ये जो लेंथ होगा A से लेके यहां तक के बीच में, D के बीच में, ये है ABCD, D यहां बनेगा। तो A से लेके D के बीच में जो लेंथ है वो भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम मिला देंगे,
तो इसके सामने ये है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर है ना। ये थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे, यहां आर्क लग जाएगा, आर्क लग जाएगा यहां, यहां आप 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मिला देंगे, हो चुका है। तो ये है 4.5 सेंटीमीटर, इसके सामने ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सामने वाला जो आर्म होता है सेम साइज का होता है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, तो सीडी भी 4.5 सेंटीमीटर, बीसी 5.5 सेंटीमीटर, तो एडी भी 5.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये तो रहा पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है बीसी इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर एंड सीडी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। तो इसमें भी जो है सेकेंड वाला जो आर्म है ये है सीडी, इसका लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। तो जैसे इसमें पहले जो बड़ा आर्म है उसको हमने ड्रा किया था, तो इसमें भी बड़ा वाला आर्म क्या है, सीडी, सीडी 6.8 है, ये है 6.1। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला आर्म ड्रा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ड्रा करेंगे सीडी, ये है रफ वाला फिगर, ये रफ फिगर, तो ये है सीडी है 6.8 सेंटीमीटर। फिर क्या है बीसी, सीडी, ये सीडी है, ये बीसी, तो बी यहां कहीं रहेगा, बीसी क्या है 6.1 सेंटीमीटर, तो इसके सामने भी 6.1 रहेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सामने वाला आर्म सेम साइज का होता है, तो ये 6.8 है, तो ये भी 6.8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये बन चुका है बी सी, ये हो जाएगा ए बी, ए बी सी डी, ठीक है, डी ए हो चुका है, कुछ इस तरीके का रफ फिगर है ये। अब हम इसका ड्रा करेंगे फेयर वाला फिगर, फेयर वाला फिगर में वही काम करना है, सबसे पहले हम ड्रा करेंगे सी डी, सी डी होगा 6.8 सेंटीमीटर सी डी, ठीक है, ये हो चुका है। और दूसरा वाला आर्म क्या है 6.1 सेंटीमीटर, तो हम उसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले यहां हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, क्योंकि ये जो है आर्म है कुछ इस तरीके से होगा, तब जाकर रेक्टेंगल सही बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं रेक्टेंगल, और यहां बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल रेक्टेंगल में। तो 90 डिग्री का एंगल पहले बनाने के लिए एक बार किसी भी रेडियस का आर्क ड्रा करेंगे, फिर उसी प्रीवियस आर्क को कट करेंगे टू टाइम कुछ इस तरीके से, यहां सेंटर मान के ये कट होगा, फिर यहां जो है इसको मानकर इसे कट होगा, फिर उतने ही रेडियस का ये कट होगा, यहां बन चुका है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये था 6.8 सेंटीमीटर, ये है 6. बीसी, बीसी 6.1, तो 6.1 पे कट करेंगे इस तरीके से, और इसके सामने वाला आर्क आर्म ये होगा, ये थोड़ा 90 डिग्री नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा, ठीक है, ठीक है। तो सामने वाला आर्म क्या है, ये वाला होगा, इधर वाला होगा, तो उतने ही रेडियस का, या 6.1 पे हमने कट किया है यहां, तो उसी रेडियस को लेकर यहां कट करेंगे, ठीक है, यहां, ठीक है, और ये है 6.8, तो यहां क्या है, ये है बी सी, ठीक है, तो बी को सेंटर मानकर 6.8 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस लेकर इसको कट करेंगे, ये कट करेंगे तो ऐसे कट करेंगे, तो इसको मिला देंगे, ये 6.1 सेंटीमीटर, तो ये भी 6.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह है 6.8 सेंटीमीटर, तो ये भी 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये है, ये हो जाएगा ए, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल एबीसीडी बन गया है, जिसमें सी डी इक्वल 6.8 सेंटीमीटर, और उसके सामने वाला जो आर्म है ए बी है, ये भी 6.8 सेंटीमीटर रहेगा, बी सी 6.1 सेंटीमीटर, इसके सामने वाला आर्म ए डी बी ए है, ये भी 6.1 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये तो है इसका फेयर फिगर, ठीक है। अब है मुद्दे की बात, बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एंड बाय।